लखनऊ में इमरजेंसी सेवाओं के लिए संचालित की जाने वाली 102 एम्बुलेंस के कॉल सेंटर में कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। कॉल सेंटर में कुल 32 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिनों पहले एक युवती यहां कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद जिस फ्लोर पर युवती काम कर रही थी उस फ्लोर के सभी कर्मचारियों का कोरोना वायरस टेस्ट कराया गया, जिसमें 32 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सभी कर्मचारियों का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। 102 कॉल सेंटर में 32 जो है लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी लोगों को अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इन तमाम लोगों के में संक्रमण की पुष्टि हुई है। खुद 102 कॉल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है कि 32 कर्मचारी उनके संक्रमित पाए गए हैं। सबसे पहले एक हफ्ते पहले एक लड़की जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, और उसके बाद जब वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो पूरे फ्लोर की टेस्टिंग कराई गई, और टेस्टिंग के बाद 32 कर्मचारियों की रिपोर्ट आ जाई है, जिसके बाद सभी को अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। पूरे जो 102 कॉल सेंटर है इमरजेंसी सेवा का, इस बिल्डिंग को सीज किया गया है। इस बिल्डिंग के आसपास सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बिल्डिंग के अंदर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। 48 घंटे के बाद ही इस बिल्डिंग को दोबारा खोला जा सकेगा। इसके बाद जो 102 की कॉल्स हैं वो 108 के जो कॉल सेंटर हैं वहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र की गई हैं। तो बड़ी संख्या में जो यहाँ कर्मचारी 102 कॉल सेंटर में काम कर रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये देखा गया है कई बार कि जो कम से कम कॉल सेंटर हैं वहाँ स्थितियाँ बेहद ख़राब हैं। तमाम कर्मचारी चूँकि बेहद नज़दीक बैठते हैं, ऐसे में संक्रमण की संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। और 102 108 मेडिकल सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, इसलिए कॉल सेंटर का चलना भी ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ ज़रूर हुई हैं कि जो तमाम कर्मचारी यहाँ आ रहे थे उनकी प्रॉपर स्कैनिंग नहीं की गई होगी, तभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कर्मचारी संक्रमित हुए। फिलहाल अभी 102 को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। लखनऊ से उड़ने सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। 102 का ये कॉल सेंटर है, यहाँ पे एक लड़की पहले पॉजिटिव आई थी पिछले शुक्रवार को, और वो हमारे यहाँ पर यहाँ गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग होती है, अगर किसी को फीवर होता है तो वापस कर दिया जाता है, तो उसको वापस किया गया था। उसके बाद उसने स्वयं उसकी टेस्टिंग कराई थी डॉक्टर को दिखा करके। उस फ्लोर पर जितने भी लोग थे उनको सबके हमने टेस्ट कराया था, ठीक है, उनमें से ये 32 लोग पॉजिटिव आए हैं अभी, तो हमने बिल्डिंग को पूरी तरह सीज कर दिया है और जो लोग हैं उनकी टेस्ट कराया जा रहा है।